गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट विद द 33rd चैप्टर, वर्ल्ड्स फेमस बिल्डिंग्स। जो दुनिया के सबसे फेमस बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। कैथरीन द ग्रेट हैड दिस पैलेस बिल्ड बाय बार्टोलोमियो रेस्ट्रिली, अ फेम्ड आर्किटेक्ट। इट वॉज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द रशियन ट्सार्स फ्रॉम 1732 टू 1917। यानी रशिया के जो रूलर्स थे उनकी उनका ये ऑफिशियल रेजिडेंस होता था। जैसे इंडिया के जो रूलर जो हेड हैं प्रेसिडेंट, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है राष्ट्रपति भवन, उसी तरीके से जो रशिया के रूलर्स थे उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस था उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग विंटर पैलेस, और इसे डिज़ाइन किया था बार्टोलोमियो रेस्ट्रिली ने। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी म्यूजियम लोकेटेड इन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ ये म्यूजियम लोकेटेड है। इसका नाम है एशमोलियन म्यूजियम। इट इज़ लोकेटेड इन लंडन। इनिशियली दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 1702-5 फॉर द ड्यूक्स ऑफ बंकिंगहम। इट वॉज द लास्ट रीमॉडल्ड एज अ पैलेस इन 1913। पहले ये जो बिल्डिंग थी बंकिंगहम पैलेस जिसका नाम है, वहाँ वहाँ के ड्यूक्स यानी कि जो हाई ऑफिशियल्स होते थे वो रहते थे, और बाद में इसको रीमॉडल करके एक पैलेस की शेप, एक महल की शेप दे दी गई। These are the tallest office buildings before being surpassed by Taipei 101. These are situated in Kuala Lumpur, yani Malaysia. ये मलेशिया को पहले कोला लंपुर बोला जाता था, और पहले सबसे पहले जो थी ये पेट्रोनास ट्विन टावर्स, ये जो दो ट्विन टावर्स हैं यानी दो एक जैसे टावर्स हैं, ये ऑफिशियल बिल्डिंग हुआ करती थी सबसे ऊंची। लेकिन उसके बाद फिर एक और बिल्डिंग बन गई जो उससे भी ऊंची थी, जिसका नाम रखा गया ताइपाई 101। दिस पैलेस इन द ल्हासा तिब्बत, इट वॉज द चीफ रेजिडेंस ऑफ दलाई लामा टिल ही वॉज फोर्स टू फ्ली टू इंडिया। यानी इंडिया आने से पहले जो दलाई लामा हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस जो था वो पटोला पैलेस में था, जो कि तिब्बत की एक जगह है। द टॉप ऑफ दिस टावर कैन बी रीच बाई माउंटिंग द 294 स्टेप्स। यानी कि इस बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए आपको 294 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। एंड द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा। Located in Rome, Italy, it once held up to 50,000 spectators who came to watch game involving gladiators, wild animals and prisoners. यानी कि ये जो बिल्डिंग है कोलोजियम जिसका नाम है, इसमें 50,000 लोग एक साथ बैठ के किसी भी चीज़ को देख सकते थे। यहाँ बहुत सारी गेम्स होती थी, जैसे ग्लैडिएटर्स वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए, या प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाता था और जंगली जानवर भूखे शेर को छोड़ दिया जाता था उन्हें खाने के लिए। तो इस टाइप का होता था इटली में पहले, तो उस बिल्डिंग का नाम था कोलोजियम जहाँ ये सब परफॉर्म किया जाता था। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 35, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा और सबसे बड़ा। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया का डेजर्ट कौन सा है, तो थार डेजर्ट। सबसे बड़ा फ्रॉग, द लार्जेस्ट फ्रॉग ओरा। द लार्जेस्ट इंडियन डेयर, सबसे बड़ा जो यहाँ का हिरन है सांभर जिसे हम बोलते हैं। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, काशी वाजाकी कारीवा। द लार्जेस्ट स्नो फोर्ट, बर्फ से बना हुआ फोर्ट, स्नो कैसल। द लार्जेस्ट बस स्टेशन, जहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं, मिलीनियम पार्क बस डिपो दिल्ली में है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर जंक्शन। एंड देन द लार्जेस्ट कैनाल, द ग्रैंड कैनाल, जो कि चाइना में लोकेटेड है। द लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, यहाँ भी है आपका मॉल, बहुत छोटा सा वो तो है। तो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है न्यू साउथ चाइना मॉल। सबसे बड़ा डायमंड माइन, जहाँ से हम लोग डायमंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जुबली रशिया में है।
रशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड यू नो. लार्जेस्ट सिटी स्क्वायर मर्डिका स्क्वायर. द लार्जेस्ट ब्रिक डोम, ब्रिक से बना हुआ एक गोल स्ट्रक्चर, जो आप मॉस्क के ऊपर एक गोल स्ट्रक्चर देखते हैं गुरुद्वारे के ऊपर, उसको डोम, उस शेप को डोम बोलते हैं. द डोम ऑफ फ्लोरेंस. लार्जेस्ट बेल, सबसे बड़ी घंटी तसार बेल. एंड विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट था थार, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा. सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, ओल्ड एंड न्यू नेम्स, चैप्टर नंबर 36. कुछ शहरों के नाम, कुछ कंट्रीज के नाम पहले कुछ और थे और अब कुछ और हैं. इंडिया के भी आपने देखा होगा, जैसे पहले कलकत्ता बोलते थे अब कोलकाता बोलते हैं, पहले बॉम्बे बोलते थे अब मुंबई बोलते हैं. इस तरीके से बहुत सारे नए नाम शहरों के और कंट्रीज़ के बदल गए हैं. तो इसमें हम ओल्ड एंड न्यू नेम पढ़ेंगे बहुत सारी जगहों के. ताइवान, अभी नया नाम उसका है ताइवान. अभी हम उसे ताइवान के नाम जानते हैं, लेकिन पहले उसका नाम था यहाँ फॉर्मोसा. यूथोपिया, जो भी नया नाम है और उसका पुराना नाम था एबिसिनिया. नामीबिया का ओल्ड नेम था साउथ वेस्ट अफ्रीका. जापान, ओल्ड नेम वाज निप्पॉन. रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द ओल्ड नेम वाज ज़ायर. ईरान वाज नोन एज पर्शिया. Zimbabwe was known as Rhodesia. Malaysia was known as Malaya. Sri Lanka was known as Ceylon. And Iraq was known as Mesopotamia. So these are the old and new names. You have to learn both the names. Okay, thank you children.